हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट के साथ में। देखिए, मार्केट तो जरूर क्लोज है आज, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उन पे कोई भी किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। और ऐसी एक खबर आज टाटा मोटर्स के लिए में निकल के आ रही है, एक बड़े टारगेट्स की उम्मीद टाटा मोटर्स से इस टाइम की जा सकती है, क्योंकि रिसेंटली भी एक बड़ी न्यूज़ आई थी कि टाटा जो है वो एक अपनी नई SUV लॉन्च करने वाले, उसका टीजर आ चुका है। कौन सी जो है ब्रांड, जो नाम रहेगा वो कौन सा रहेगा ये तो अभी तक उन्होंने नहीं बताया है, लेकिन एक नई SUV जरूर लॉन्च करने वाली है और एक बड़ा अपडेट भी जो है टाटा मोटर्स की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या कुछ अपडेट है, बड़े टारगेट प्राइस निकल के आ रहे हैं टाटा मोटर्स की तरफ से। बट लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें कि आप लोग जो मंडे के दिन यहाँ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी मार्केट पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स तक जो है अमेरिकन बाजार लास्ट क्लोजिंग डे में गिर चुका है। तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आप लोगों को मंडे के दिन हो सकता है इंडियन स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताता हूं कि आपको कौन सा अपडेट टाटा मोटर्स की तरफ से निकल के आ रहा है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब जो है मुझे और मोटिवेट करता है, ताकि सही स्टॉक्स के बारे में सही टाइम पे सही जानकारी इस चैनल पे मैं आप लोगों को हमेशा देता रहूं। और आप मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से अगर जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप मेरे दोनों ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं अपडेट्स के लिए भी और क्वेरीज के लिए भी। तो टाटा मोटर्स में देखिए, लास्ट क्लोजिंग डे में हमें एक अच्छी खासी पॉजिटिव मोमेंटम जरूर देखने को मिला। ₹5.25 की बढ़त के साथ स्टॉक ने ₹464.45 पे अपनी क्लोजिंग दी। लास्ट क्लोजिंग ₹459.20 पे थी। 5 दिन के अंदर कोई खास रिटर्न्स नहीं दिए हैं, कंसोलिडेट ही कर रहा है 5 दिन से स्टॉक। और अगर एक महीने की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 4.5% का जंप है, और 6 महीने की बात करूँ तो 6 महीने से स्टॉक इसी रेंज में हमें देखने को मिल रहा है। भले ही स्टॉक ₹373 तक का लो लगा चुका है और उसके बाद जो ऑलमोस्ट ₹100 तक का जंप भी दे चुके हैं हम स्टॉक में, एक अपॉर्चुनिटी थी उस टाइम ₹373 पे स्टॉक भाई करने की, और वहां से जो है ₹100 तक का जो है एक टारगेट प्राइस लेके चले थे हम, वो अचीव भी कर लिया है। अगर मैं अपडेट की बात करूं तो देखिए, बाय टाटा मोटर्स टारगेट प्राइस 646 ICICI सिक्योरिटीज, यानी कि ICICI सिक्योरिटीज ने जो है यहां पे टाटा मोटर्स के लिए बड़े टारगेट दिखा दिए हैं। अभी 460 की रेंज में है और ऑलमोस्ट ₹200 तक का जंप यहां पे हमें इसके शेयर प्राइस टारगेट में हमें देखने को मिल सकता है। और एक और अपडेट थी कि भी टाटा मोटर्स कम आउट है SUV टीजर, और यहां पे एक और बड़ी अपडेट ये है कि टाटा ग्रुप स्टॉक JLR टर्न अराउंड से टाटा मोटर्स की वैल्यूएशन होगी मजबूत, स्टॉक में 40% तक का आ सकता है उछाल। कल का ही अपडेट है 25 अगस्त का। देखिए, JLR का मतलब है जैगुआर और लैंड रोवर, क्योंकि वो भी दोनों इन्हीं के पास है, टाटा ग्रुप के पास ही है। तो ICICI सिक्योरिटीज का मानना है कि जैगुआर और लैंड रोवर टर्न अराउंड के चलते टाटा मोटर्स की वैल्यूएशन को बूस्ट मिलेगा। ब्रोकरेज ने टाटा मोटर्स पर खरीदारी की राय बरकरार रखी है। तो ग्लोबल लग्जरी कार मेकर टाटा मोटर्स की जैगुआर लैंड रोवर का वॉल्यूम साल 2022 में फ्लैट रह सकता है। हालांकि ब्रोकरेज फर्म ICICI सिक्योरिटीज का कहना है कि इनपुट कॉस्ट में नरमी के चलते आगे JLR के मार्जिन में सुधार की उम्मीद है, जिससे दूसरी तिमाही में सेल्स वॉल्यूम में उछाल देखने को मिल सकता है। इनपुट कॉस्ट की महंगाई के चलते साल 2021 में EBIT मार्जिन करीब 100 से 200 बेसिस पॉइंट सुधरा है। JLR का EV इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और प्रोडक्ट डेवलपमेंट फोकस में है, तो इन वजह से जो है यहाँ पे और R&D खर्चों पर भी आउटलुक को बरकरार रखा है। तो यहाँ पे एक बड़ी तेजी की संभावना है। ICICI सिक्योरिटीज की तरफ से बड़े टारगेट्स दिखा दिए गए हैं कि टाटा मोटर्स जो आपको ₹650 तक जाते हुए देखने को मिल जाएगा। अगर मैं लास्ट क्लोजिंग डे के वॉल्यूम की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 1,12,52,560 शेयर्स का वॉल्यूम ट्रेड हुआ, और मार्केट क्लोज में अभी भी ऑलमोस्ट 7,681 शेयर्स जो है हमें बाइंग क्वांटिटी में देखने को मिल रहे हैं और 23,398 शेयर्स सेलिंग क्वांटिटी में जरूर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखें कि अगर आप टाटा मोटर्स का जो है पूरे मैक्सिमम ग्राफ देखेंगे तो उसमें वॉलेटिलिटी जो है आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, यानी कि वॉलेटिलिटी का मतलब है कि एकदम से बहुत तेजी भी आती है और एकदम से बहुत ज़्यादा डाउन भी करते हैं अपने आप को। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही जो इस चीज़ को सहन कर सकता है। शॉर्ट टर्म में गलत टाइम पे गलत एंट्री आप लोगों को एक अच्छा खासा नुकसान भी करा सकती है, भले ही वो टाटा मोटर्स का ही शेयर क्यों ना हो। अगर मैं इसका मार्केट कैप देखूं तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है। बुक वैल्यू पर शेयर ₹863.26 की, यानी कि स्टॉक ₹863.26 पे एक्चुअल वैल्यू पर होना चाहिए, तो स्टॉक उससे नीचे ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक की जो कंडीशन है वो
अंडरवैल्यूड कंडीशन में है। और ईवी व्हीकल्स को लेके तो टाटा मोटर्स ने जो है अपनी छाप छोड़ी रखी है, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहाँ पे हमें इंडिया के अंदर टाटा मोटर्स के ही देखने को मिल रहे हैं। अगर आरएसए लेवल की बात करूं तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है टाटा मोटर्स के अंदर, आरएसए लेवल जो है ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यानी कि एक अपॉर्चुनिटी जो है टाटा मोटर्स में फिर से निकल के आ रही है, फ्रेश एंट्री के चांसेज। और दूसरी बड़ी बात कि आने वाले टाइम में जितना ईवी व्हीकल्स को जो है क्रेज मिलेगा, जितनी रफ्तार पकड़ेंगे, वैसे ही टाटा मोटर्स की रफ्तार भी आप लोगों को शेयर की देखने को मिल जाएगी। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें।